तो गाइस हमें जिसका इंतज़ार था वो लम्हा आ चुका है। तो आप व्यू चेक करें, रात में क्वेटा किस तरह दिखता है। वाह माशाल्लाह, हमारे हमारे क्वेटा को नजर ना लगे। वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। तो आप लोग कैसे, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज है संडे और आज हम लोगों का दिल किया कहीं जाकर व्लॉग बनाएं। तो हमने सोचा आज फिर चलते माउंटेन, तो व्लॉग बहुत अच्छा बने तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो हम लोग अभी माउंटेन जाने लगे। तो आप ये क्वेटा डैम है, तो माउंटेन का रास्ता देखे आप, पहाड़ी का रास्ता जो है बहुत इन लोगों ने इस दफ़ा अच्छा बनाया हुआ है। पहले जो आप देखें ये सड़क जो है भी अभी बना है, तो ये सड़क पहले ख़राब था, तो अभी इन्हीं दिनों इसे सही किया गया है। तो देखें इसके इर्द गिर्द ट्रीज़ वगैरह भी लगाए गए हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो अभी जब हम ऊपर जाएंगे तो और ख़ूबसूरत से व्यू आपको दिखाए देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ व्लॉग में जुड़े रहे। तो अभी हम लोग अभी माउंटेन पे बस चढ़ने ही वाले हैं। यहाँ से कोथल स्टार्ट होगा, तो कोथल उस तरफ है, इस यहाँ पर जो हम लोग जा रहे इसका नाम चैम्पियन है। देखिए अभी हमें ऊपर जाना है। तो आप मुदस्सिर को चेक कर, देखते हैं मुदस्सिर कहाँ तक जा पाएगा। आज मुदस्सिर को हमने चैलेंज दिया हुआ है, कब तक कहाँ तक ये जाएगा। इसका इनाम होगा कि हम लोग मुदस्सिर को फिर एक चिकन रोल खिलाएंगे वापसी में जी। तो लास्ट टाइम हम लोग गए थे ज़ियारत देखो, वहाँ कभी मैंने व्लॉग बनाए तो इस दफ़ा फिर दिल किया जाकर माउंटेन के एक चक्कर मार। आप एक बार व्यू चेक करें, ये द ब्यूटी ऑफ बलूचिस्तान। मुदस्सिर तो मुदस्सिर ने पहला पड़ा उबार कर दिया। तो अभी जो कहते हैं कि हम लोग क्वेटा में बलूचिस्तान के पहाड़ अच्छे नहीं है, तो बलूचिस्तान के पहाड़ के बात ही नहीं है। ये देखिए मैं आपके लिए व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, जा भी रहा हूँ। तो व्लॉग को थोड़ा बंद करते क्योंकि रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है, फिर उसके बाद मैं व्लॉग को दोबारा ऑन करता हूँ। और मैं आपको एक बार उस सामने का जो आप माउंटेन देख रहे हैं ना, वो जो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है वो बड़ा माउंटेन, उसको कहते हैं चिल्तन, बलूचिस्तान का फेमस माउंटेन चिल्तन उसे कहते हैं। वहाँ पर चीता वगैरह वहाँ पर पाए जाते हैं। वो देखे वो चिल्तन, वहाँ पर भी जाने का इरादा है किसी दिन। तो फिर इस तरफ दूसरे माउंटेन है और लोग भी आ रहे, भी हम भी अभी जाने लगे अपनी मंजिल तक। ओ ऊपर ऊपर हम लोग जाने लगे, ठीक है? तो आप इसी तरह से व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आप लोगों के लिए इतने मेहनत से मैं व्लॉग बनाता रहता हूँ। व्यू चेक करें, बाकी लोग ऊपर जा रहे हैं और मुदस्सिर ने पानी का बोला है मुझे। मुदस्सिर आ रहे हैं, मुदस्सिर के हिम्मत को सलाम है, इतना ऊपर आ गया है। और अभी देखते हैं बिल्कुल टॉप पे जाता है या नहीं। तो अभी मुदस्सिर को थोड़ा पानी देते फिर ऊपर जाते, तब तक आप व्यू चेक करें। उस वो जो पहाड़ी वहाँ सामने उसका पता नहीं क्या है, उसे कोई मुर्दार कहते, मेहरदार महर। तो वहाँ पर क्वेटा डैम है, वो तीन डैम बने हुए हैं और यहाँ पर उस तरफ कैंट है और लोग आ रहे हैं। तो गाइस मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया था और अभी थोड़ी देर बैठा हूँ। देखिए मुदस्सिर तो पीछे, वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा, वो अभी बहुत पीछे।
हमें जहाँ तक जाना है मैं आपको आपका एक व्यू दिखाता हूँ जहाँ तक अभी हमें जाना है। सो गाइस हमें जो जाना है वहाँ पर जो पाकिस्तान का फ्लैग जो लगा हुआ है हमें वहाँ तक जाना है। देखिए अभी हम बहुत दूर है, यहाँ से रास्ता जाता है तो अभी हम लोग जाते कि कहीं पीछे ना रह जाए। तो वहाँ पर देखे तो गाइस हम लोग फाइनली पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर पहुँच गए। तो एक खूबसूरत बात बताओ तो छोटे बच्चे बिल्कुल नीचे देखे पहाड़ी के पीछे फुटबॉल खेल रहे। तो ये जो रास्ता है ये मेरे ख्याल में स्पिनकारियस की तरफ जाता है जहाँ तक मैंने सुना है। तो नीचे वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है। पहाड़ी के पीछे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, बहुत ही मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी नीचे जाऊँ। ये देखे इसके ऊपर भी लोग जाते हैं, फिर इसके ऊपर दूसरा पहाड़ी है, इसके ऊपर दूसरा पहाड़ी है। ये गर्म गर्म चाय भी बन रहे तो पहाड़ी पे बैठ के वही बलूचिस्तान के पहाड़ियों पे बैठ के चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। बिल्कुल खामोशी सकून, बहुत आदमी बिल्कुल ताज़ा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। तो आप भी अगर बलूचिस्तान आए तो पहाड़ियों पे ला। तो जो लोग कहते हैं कि क्वेटा में कुछ भी नहीं है देखने के लिए, एक बार क्वेटा का चक्कर लगाए उसको फिर पता चल गया क्वेटा कैसा खूबसूरत जगह है माशाल्लाह। तो गाइस आप जो क्वेटा में रहते हैं, जो लोग क्वेटा में रहते हैं वो लोग कहीं से भी ये मरियाबाद में जो माउंटेन है यहाँ से वो लोग देखते हैं कि काहिद आज़म का जो माउंटेन पे तस्वीर बना हुआ है ना जो लाइट से बनाया गया है तो वो वहाँ पर है। मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ वहाँ पर, वो जो आपको घर दिख रहा है ना छोटा सा जो भी पिंजरे भी लगे हुए आसपास, तो वहाँ पर वो वहाँ पर तस्वीर लगा हुआ है। और ये गुड़ी ये तो मैं बता रहा था कि वहाँ पर जो घर है और वहाँ पर जो एक टेंट भी लगा हुआ है तो वहाँ पर लोग रहते हैं जो उसको ऑन ऑफ करते। तो टाइम है रात के तकरीबन 8 बजे इसको भी ऑन करेगा, फिर रात के 1 बजे 2 बजे इसको वापस बंद करते हैं। तो जो भी क्वेटा में रहते वो जो तैयार हो चुका है और मैं गर्म गर्म चाय पी रहा हूँ और आज क्वेटा में ठंड भी अच्छा खासा है तो बहुत मज़ा दे रहा है चाय पीकर, वो भी माउंटेन के बैठकर। तो गाइस हमें जिसका इंतज़ार था वो लम्हा आ चुका है। तो आप व्यू चेक करें रात में क्वेटा किस तरह दिखता है, वाह माशाल्लाह। हमारे हमारे क्वेटा को नज़र ना लगे। तो गाइस अभी रात हो चुका है और मैं भी आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। अभी देखे बिल्कुल रात है तो मैं जिसका इंतज़ार है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मुदस्से चेक करें आप रात में क्वेटा इस तरह दिखता है, हमारे क्वेटे को नज़र ना लगे। तो मुदस्सिर भी खड़ा हुआ है, मुदस्सिर को ठंड लगा है। तो दिस इज़ अ क्वेटा, आप एक बार क्वेटा आ जाए, क्वेटा में बहुत जगह घूमने के लिए। सबसे पहले तो क्वेटा के पहाड़िया, वाह आओ पहाड़ों की कसम, कोई मरियाबाद की कसम दी गए तो मुदस्सिर कह रहे कोई मरियाबाद की कसम। तो मुदस्सिर ऐसे मजाकिया बातें बोलता है ना, ये मेरे चैनल में नहीं आता है, वरना मेरा चैनल कब का मोनिटाइज हो चुका होता। तो मुदस्सिर दिखा बखैर निज बाइन दिखा खुबिया खमस्ता ये फारसी में उर्दू में बोलो,
मुदस्सिर, तो मुदस्सिर कह रहे मुझे ठंड लगा है, तो मैं वो काजी आजम का तस्वीर जो था उसे ऑन कर दिया गया, और ये पीछे बहुत ही अंधेरा है, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही माहौल है, चेक करें आप, दिस इज अ कोइटा। तो गाइस अभी हम लोग वापस जाने लगे, तो बहुत अंधेरा है, हमने लाइट भी ले लिया है। ये पहाड़ी से जो हम लोग माउंटेनों से जो हम लोग नाथ को उतरे उतरते हैं ना, अगर सही लाइट ना हो आपके पास तो बहुत ही मुश्किल है उतरना। तो पीछे देंगे तो मुझे सिर के अगर लाइट नहीं हो फिर खड्डे में जाएंगे और कुछ नहीं होगा। वो काजी आजम को भी ऑन कर दिया है वहाँ पर। तो ये सब ठंड लग रहा है ना, मुदस्सिर ने भी बिल्कुल पट्टू मट्टू पहन लिया है। तो गाइस फाइनली हम लोग वापस घर आ चुके और मैं बहुत थक गया हूँ, तो भी रात को फुटबॉल मैच भी है, कोशिश करूँगा उसका भी व्लॉग बनाऊँ। तो बेस आज बहुत थक गया था, आज मैं भी पहाड़ी से आया हूँ ना गाइस, तो अभी व्लॉग का यहाँ पर अभी हम लोग ख़त्म करते, बिल्कुल मुझे नींद आया हुआ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।